हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट जो याद रखनी है हमको, वो है सपोज कीजिए ये टावर है और ये हम यहाँ खड़े हैं पॉइंट ए पे, और बी सी इज़ अ टावर। जब हम पॉइंट ए से सी की ओर देखेंगे तो दिस इज़ नोन एज लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ साइट। सो लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ साइट के साथ जो अर्थ सरफेस जो एंगल फॉर्म करेगा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट के साथ जो अर्थ सरफेस एंगल फॉर्म करेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली जब हम ऊपर खड़े हैं टावर के ऊपर और कुछ ऑब्जेक्ट जब नीचे देखते हैं तो ये जो देखने वाला लाइन है दैट इज लाइन ऑफ विजन, और एंगल फॉर्म बाई दिस लाइन लाइन ऑफ विजन एंड अ लाइन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस जो एंगल फॉर्म होता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसके साथ साथ हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जानकारी रखनी पड़ेगी और ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे इसके। जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर वो है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। मतलब ऐसा है कि एक तुम्हारा अर्थ सरफेस है, दिस इज पोल, और पोल का ये दिस इज ए एंड दिस इज बी इज अ पोल विच इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ। दिस इज अ रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो ये जो रोप है वो कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री का। सो वॉट इज द हाइट ऑफ द पोल यू हैव टू फाइंड आउट। सो एच निकालना है हाइट ऑफ द पोल, उसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल जो निकालना है वो अपोजिट साइड है और जो दिया है वो हाइपोटेन्यूस है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूस क्या फॉर्म होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, दैट इज साइन थीटा। सो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो साइन ऑफ एंगल सी बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल सी इज अपोजिट इज व्हाट ए बी एंड हाइपोटेन्यूस इज व्हाट ए सी। सो साइन ऑफ एंगल सी इज व्हाट, साइन ऑफ एंगल सी इज 30 इज इक्वल्स टू ए बी इज व्हाट एच अपॉन ए सी, ए सी इज 20। साइन 30 इज नथिंग बट 1/2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 20। Therefore, cross multiplying this 20, so 20 upon 2 is equals to h. Therefore, h is equals to 10 meters. So, height of the pole is what? 10 meters. Second question ऐसा है कि a tree break due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it and the distance between the foot of the tree and to the point where the top reaches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Let us see. पहले तो ऐसा है कि this is a diagram, ये this is a tree. अब tree क्या हो रहा है, टूट जा रहा है बीच में से, तो ये broken part है, ये नीचे गिर गया। So this is equal to this, this is broken part and this is y. So ये x है तुम्हारा, this is how much, it is 8 meter. Base से ट्री का बेस से टू द टॉप वेयर टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर एंड दिस इज एक्स ले लेते हैं। सो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। सो हाइट ऑफ द ट्री इज दिस वन एच, सो एच टू फाइंड एच दैट इज एक्स प्लस वाई हमको निकालना है। एक्स प्लस वाई निकालने के लिए पहले ये देखिए ट्रायंगल में दिस इज ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी सोल्यूशन में लिखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट में विथ रिस्पेक्ट टू द और एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच 30। सो टॉप टचेज द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल दिस इज अपोजिट साइड जो एक निकालना है और जो दिया हुआ है वो एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट और एडजेसेंट मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म होगा, दैट इज ये टैन थीटा। सो tan theta is equals to opposite upon adjacent. So tan of angle A is equals to opposite is y.
that is BC upon adjacent is AB. So tan of 30 is equals to y upon 8. Tan 30 is 1 by root 3 is equals to y upon 8. Therefore y will be equals to, y is equals to 8 upon root 3. जैसे हमने value of y निकाली, वैसे we will find out the value of x. With respect to this given angle, जो अब निकालना है वो hypotenuse है और दिया हुआ है वो adjacent है. So adjacent और hypotenuse मिला के cos. So cos of theta equals to adjacent upon hypotenuse. So therefore cos of angle A is equals to, cos of angle A is BC upon AC. That is BC upon AC. अब हमको क्या मिला cos of which angle? Cos of angle A. Angle A is how much? 30. So cos of 30 is equals to BC. BC कितना है? 8 है. तो लिखेंगे 8 upon AC. AC is X. Cos 30 is root 3 by 2. So root 3 by 2 is equals to 8 upon X. Cross multiplying X is equals to 8 2s are 16 upon root 3 meters. X or Y मिल गया. It means what? Height is equals to height of the trees X plus Y. X is what? X is nothing but 8 2s are 16. So it's 16 upon root 3 plus Y is what? Y is 8 upon root 3. Denominator same है. एक बार लिखेंगे root 3. 16 plus 8 is 24. So it's 24 by root 3. अब क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम लोग rationalize कर लेते हैं. Rationalize करने के लिए root 3 से multiply and divide. So h will be equals to 24 upon root 3 into root 3 upon root 3. So it's 24 root 3 upon 3. 3 ones are 3 eights are. So height of the tree is 8 root 3 meters. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लांट्स टू दो टाइप का वो स्लाइड प्लान करता है. एक बिलो द एज ऑफ, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 और फॉर चिल्ड्रन अबव एज 5. तो देखिए कैसा है कि दो टाइप का स्लाइड है. एक छोटे बच्चों के लिए टाइप 1, उसमें छोटे बच्चों के लिए ये बताया गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्लाइड का वो 30 डिग्री है और हाइट ऑफ दी हाइट इज व्हाट एट देन हाइट एट एन हाइट ऑफ 1.5 मीटर. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड वी हैव टू फाइंड आउट. L1 निकालना है और सो दिस इज A, B एंड दिस इज C. विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज. सो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म होगा. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस मिला के दैट इज साइन. सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो ऑपोजिट इट मीन्स साइन ऑफ एंगल बी एंगल सी सॉरी साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ऑपोजिट इज वॉट ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए सी. सो साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू ए बी इज 1.5 अपॉन ए सी इज एल वन. सो एल वन निकालना है. साइन 30 का वैल्यू डालते हैं. दिस इज 1/√1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एल वन. सो क्रॉस मल्टीप्लाई एल वन इंटू वन विल बी एल वन 1.5 इंटू 2 सो दैट इज 3 मीटर्स. सो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड का लेंथ है वो है 3 मीटर्स. वैसे ही टाइप 2 में कैसा है, बड़े बच्चों का स्लाइड है उसका हाइट जो है वो दिया है 3 मीटर्स और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्लाइड का वो है 60 डिग्रीज. फिर उसके बाद में एक्स वाई जेड नाम ले दिया इसका. विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल हमको वापस से एल टू निकालना है लेंथ ऑफ द स्लाइड. विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज वॉट hypotenuse. So again sine of angle theta. So sine of theta is opposite upon hypotenuse. Opposite upon hypotenuse. So sine of angle Z is equals to opposite is xy upon hypotenuse is xz. So sine of which angle? Sine of angle Z is what? 60. Is equals to xy. xy kitna hai? 3 hai. Upon yz is what? L2. So sine of 60 is what?
रूट थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री बाई एल टू। अब हम लोग वैल्यू डालते हैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो एल टू इज इक्वल टू थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री। फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट थ्री है, सो रूट थ्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो ये हो जाएगा थ्री, दिस इज सिक्स रूट ऑफ थ्री। सो टू थ्री वन सा थ्री टू सा इट मीन्स लेंथ ऑफ द स्लाइड इज टू रूट थ्री मीटर्स फॉर द चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ फाइव ईयर्स। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो ऐसा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मीन्स ऐसा, दिस इज टावर, दिस इज पॉइंट ए विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बी इज द फुट ऑफ द टावर, ए जो है वो 30 मीटर दूर है, एंड दिस इज सी। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ए सी बी, सॉरी सी ए बी विच इज हाउ मच 30 डिग्री। ये पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज 30। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर, एच निकालना है। अगेन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज वॉट एडजेसेंट। सो ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म होता है, दैट इज टैन थीटा। सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो टैन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू ऑपोजिट इज बी सी, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ऑपोजिट इज बी सी एंड एडजेसेंट इज वॉट ए बी विच इज गिवन वैल्यू। सो टैन ऑफ ए, ए इज वॉट 30 is equals to BC is height of the tower H and AB is what 30 meter it is given. So tan 30 is 1 by root 3 is equals to H upon 30 cross multiplying 30 upon root 3 is equals to H. So H will be equals to 30 upon root 3 rationalize karenge. So into root 3 upon root 3. So ye kitna ho jayega, H will be equals to 30 root 3 upon 3, so 3 ones are 3 tens are, so height of the tower is 10 root 3 meters. अभी देखिए, एक काइट है जो ऊपर उड़ रहा है at an height of 60 meters from the ground. जो काइट है वो 60 meter height पे है और उसका जो string है वो temporarily tied to the ground making an angle of inclination 60 degree. Then what is the length of the string, you have to find out. इसको नाम देते हैं A, इसको B और इसको C. So with respect to this given angle, this is opposite side and this is hypotenuse. तो opposite side और hypotenuse मिला के sine रेखा ratio form होता है. तो sine of theta is equals to opposite upon hypotenuse. So sine of angle B, sine of angle A is equals to A का opposite is what BC. Upon hypotenuse is AC. So sine of angle A is 60 is equals to 60 upon L. Sine 60 is root 3 by 2 is equal to 60 upon L. Cross multiplying L is equal to 60 into 2 upon root 3. अब क्या करेंगे, इसको rationalize करते हैं. Rationalize करने के लिए L is equals to 62 is 120 अपॉन रूट थ्री है. रूट थ्री को रैशनलाइज करने के लिए रूट थ्री से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. तो रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल गिव यू थ्री और ऊपर 120 रूट थ्री, थ्री वन सा थ्री, फोर सा 12 एंड जीरो. सो एल इज इक्वल्स टू 40 रूट थ्री मीटर्स. इट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 रूट थ्री मीटर्स. अब नेक्स्ट, एक सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो कैसे है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. मींस कैसा है, देखिए ये एक स्पेस है, अर्थ सरफेस है, दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर टॉल, इसने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा. सो A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. So the angle of elevation from his eyes, तो eyes ऊपर ही है, इधर से angle of elevation जो form किया उसने to the top of the building increases from 30 to, तो पहले 30 था,
फिर ही अप्रोचेस टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के सामने गया थोड़ा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60, 30 से 60 हो गया एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो चला वो, यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लिया हमने, वो x निकालना है. सो x निकालने के लिए ये x ले लिया, तो ये भी x होगा, इसको z ले लेते हैं नाम. ये टोटल 30 मीटर्स था, यहाँ से यहाँ तक इट वॉज 30 मीटर्स. अब ये 30 मीटर्स है, ये 1.5 मीटर्स है, सो दिस डिस्टेंस विल बी, दिस इज ए बी सी एंड डी. सो दिस डिस्टेंस ए बी विल बी गिवन बाई, ए बी विल बी नथिंग बट 30 माइनस 1.5, सो इट विल बी 28.5 मीटर्स. अब ए बी मिलने के बाद में हमको क्या निकालना है, पहले ये ट्रायंगल यूज करेंगे, दिस इज 28.5, ताकि जेड निकल जाए. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल, दिस इज ऑपोजिट साइड जो पता है, और एडजेसेंट निकाल लेते हैं हम लोग. सो दिस इज जेड, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट, सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म होगा, वो होगा टैन थीटा. सो टैन थीटा is equals to opposite side upon adjacent side. So tan of theta, theta यहाँ कितना है 60, तो tan 60 का opposite side कौन सा है 28.5 upon adjacent कौन सा है z है, तो z लिख दिया. tan 60 is root 3 is equals to 28.5 upon z. So cross multiplying z is equals to 28.5 upon रूट थ्री. अब इसको रैशनलाइज करेंगे हम, सो जेड विल बी गिवन बाय 28.5 अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री. सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल बी थ्री, ऊपर 28.5 रूट थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सॉरी थ्री नाइन ज़ा 27, वन एंड फाइव थ्री फाइव ज़ा 15, रूट थ्री मीटर. जेड मिलने के बाद में अब हम लोग बड़ा ट्राइंगल यूज करेंगे ए बी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी दिस इज गिवन एंगल एंड दिस इज ऑपोजिट साइड जो पता है, और एडजेसेंट साइड में जेड पता है, एक्स निकालना है, तो वो यूज कर सकते हैं हम. सो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट मिला के अगेन टैन थीटा, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो टैन ऑफ विच एंगल, टैन ऑफ एंगल 30, इसका ऑपोजिट कौन सा है ए बी, दैट इज 28.5, एंड एडजेसेंट कौन सा है, ये पूरा बी डी एडजेसेंट है, मीन्स एक्स प्लस वाई. सो टैन 30 इज 1 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई. अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमको पता है जेड का वैल्यू, एक्स प्लस जेड है सॉरी, सो जेड का वैल्यू हमको पता है, जेड का वैल्यू इज 9.5 रूट 3, सब्सटीट्यूट कर देते हैं. फिर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो x प्लस 9.5 रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5 रूट 3, ये उधर जाएगा, सो x विल बी 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3. सो ये कितना हो जाएगा, अब x इज इक्वल्स टू रूट 3 इज कॉमन 28.5 माइनस 9.5, सो 5 माइनस 5 इज 0, पॉइंट के बाद 0, 28 माइनस 9 इज 19, सो रूट 3 इंटू 19, सो इट्स 19 रूट 3 मीटर्स इज द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ऐसा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. इसका मतलब ऐसा है कि एक अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सर्फेस, दिस इज बिल्डिंग विच इज हाउ मच मीटर हाई, 20 मीटर हाई, बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. ये एक पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है ए, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम ऑफ द एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, पहले बॉटम में देखा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, फिर उसके टॉप पे देखा ट्रांसमिशन टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट 60. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर एच,
जो है वो हमको निकालना है। अब इसको एक्स ले लेते हैं, ए बी सी एंड दिस इज डी। नाउ अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल यूज करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले वो यूज करेंगे फिर एच का वैल्यू मिलेगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, टैन ऑफ दिस 45, टैन ऑफ 45, बिकॉज ये एंगल है इसका, ये अपोजिट साइड है जो दिया हुआ है और एडजेसेंट साइड हम निकाल रहे हैं। सो टैन 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज टैन 45, पे लिख लेते हैं टैन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो टैन ऑफ जब 45 लेंगे तो टैन 45 इज अपोजिट इज व्हाट 20 अपॉन उसका एडजेसेंट इज व्हाट एक्स। टैन 45 इज व्हाट 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 20 मीटर्स। एक्स मिलने के बाद में दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वो यूज करेंगे बड़े ट्राइंगल में ताकि एच का वैल्यू मिले। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल 60, दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड पता है, 20 पता है, खाली एच अननोन है तो वो मिल जाएगा। सो टैन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो टैन ऑफ एंगल 60 इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू एच प्लस 20 अपॉन एडजेसेंट इज व्हाट एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, टैन 60 का वैल्यू लिख देते हैं। टैन 60 इज रूट 3 इक्वल्स टू एच प्लस 20 अपॉन एक्स का वैल्यू पता है दैट इज 20। क्रॉस मल्टीप्लाइंग रूट 3, 20 इंटू रूट 3 विल बी 20√3 इक्वल्स टू एच प्लस 20। अब एच चाहिए तो एच एक्स साइड रखते हैं, देयर फोर दिस इज 20√3 इधर ही है, प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20। अब इसमें से 20 कॉमन, रूट 3 माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू एच। सो दैट इज हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर्स। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। मतलब कैसा है कि एक दिस इज अ पेडेस्टल, इसके ऊपर स्टैचू रखी हुई है, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है, ये सेम पॉइंट से उसके टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज वॉट 45। देन यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द पेडेस्टल, एच निकालना है, दिस इज एक्स। नाउ इन अभी ट्राइंगल का नाम डाल देते हैं, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ताकि हम एच और एक्स के फॉर्म में रिलेशन निकाल लें। सो इन ट्राइंगल ए बी सी विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल, दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट। सो टैन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो टैन ऑफ 45 इक्वल्स टू अपोजिट इज एच अपॉन एडजेसेंट इज एक्स। टैन 45 इज 1, एच अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाइंग एक्स इक्वल्स टू एच, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी विथ रिस्पेक्ट टू दिस 60, दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट। सो टैन थीटा, टैन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। सो टैन ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 1.6 + h अपॉन एडजेसेंट इज एक्स। टैन 60 इज रूट 3 इक्वल्स टू 1.6 + h अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एच, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। क्रॉस मल्टीप्लाइंग रूट 3 इंटू एच विल बी रूट 3h इज इक्वल टू 1.6 + h। अब सब h एक साइड लेके आते हैं, रूट 3 इंटू एच प्लस एच इक्वल टू क्रॉस कर रहा है तो माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6। इन दोनों में से h कॉमन, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। सो h विल बी 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1।
अब क्या करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए बाइनोमियल है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड. व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ रूट थ्री माइनस वन? रूट थ्री प्लस वन. सो उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि रैशनलाइज हो जाए. सो नीचे आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, इट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ऊपर 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन. सो दिस इज 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन. सो हाइट विल बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन इज टू. टू वन जा टू 0.8 सा. सो दिस इज 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. क्वेश्चन देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो दिस इज अ टावर एंड दिस इज अ बिल्डिंग. ये अर्थ सरफेस पे है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, दिस इज अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, वहां से टॉप ऑफ द टावर को देखा, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना मीटर हाई है? 50 मीटर. देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट. इसको हमने एक्स ले लिया, दिस इज ए बी सी एंड डी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज एच वी हैव टू फाइंड आउट. सो फॉर दैट देखते हैं, ये ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल, दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट, ताकि एक्स का वैल्यू मिल जाए और वो एक साइड इसका मिल जाए तो दूसरा साइड निकाल पाए. सो tan of theta is equals to opposite upon hypotenuse, opposite upon adjacent. So tan of which angle? Angle 60 equals to its opposite side is 50 upon adjacent is x. Tan 60 is root 3 equals to 50 upon x. So x equals to 50 upon root 3 meters. X milne ke baad mein in triangle BCD, in triangle BCD, with respect to this angle, this is opposite side and x is known, so वो use करेंगे तो that is adjacent. So again tan theta equals to opposite upon adjacent. So tan of theta अगर 30 है तो 30 का opposite side is h, upon adjacent side is x. Tan 30 is 1 by root 3 equals to h upon x. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा. सो इट इज इक्वल्स टू x 1 by root 3 into x equals to h. सो 1 by root 3 into x, x is what? x हमको मिला हुआ है, दिस इज 1. सो फ्रॉम 1 इट इज 50 by root 3, 50 by root 3 equals to h. सो h इज equals to 50 upon रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 मीटर्स, या फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं एज 50 डिवाइडेड बाई 3, 3 वन जा 3, 2 एंड 0, 3 सिक्स 18, रिमाइंडर विल बी 2. सो इसको लिख सकते हैं इन अ मिक्स टर्म एज 16 इज अ क्वोशेंट, रिमाइंडर इज 2 एंड जिससे डिवाइड किया वो 3 मीटर्स इज अ हाइट ऑफ द बिल्डिंग. देखिए two poles of equal height are standing opposite on each other. This is a road. These are the two poles standing of equal height, h and h. So ye road hai, road is 80 meter wide. From a point between the road, between a road, the angle of elevation are 60 and 30. देन वो पॉइंट जो है वो दोनों एंड से कितना दूर पे है वो निकालना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट ए पी एंड बी पी. फिर उसके बाद में निकालना है हाइट, इस एच भी निकालना है. दिस इज सी एंड दिस इज डी. अब हम लोग क्या करते हैं,
पहले ये अगर हमने x ले लिया, सो ये टोटल 80 था, दिस विल बी 80 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, पहले h और x के फॉर्म में रिलेशन निकाल लेते हैं। सो इन ट्राइंगल सी ए पी, इन ट्राइंगल सी ए पी विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट, सो अगेन tan थीटा, सो tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो tan ऑफ थीटा इज वॉट 60, ऑपोजिट ऑफ 60 इज वॉट h अपॉन एडजेसेंट इज x, tan 60 इज रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, सो h विल बी इक्वल्स टू रूट 3 इंटू x, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे हमने इसका रिलेशन निकाला वैसे उधर चले जाते हैं। सो इन ट्राइंगल डी बी पी, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, सो टैन ऑफ थीटा इज ऑपोजिट अपॉन, सॉरी एडजेसेंट, सो टैन ऑफ थीटा इज वॉट 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट इज एच अपॉन एडजेसेंट इज 80 माइनस एक्स, tan 30 is 1 by root 3, h, h is what, root 3x, so root 3 into x upon 80 minus x, cross multiplying 80 minus x equals to root 3 into root 3, 3x, so 3x minus x udhar gaya to plus x is equals to 80, so total 4x is equals to 80, so x will be equals to 80 upon 4, ye 4 ko cross multiply, 4 2s are 8, x is 20 meters। अब ये x मिला मतलब AP मिल जाएगा, AP is what 20 meters and BP is nothing but 80 minus x means 80 minus 20 that is 60 meters, so from both poles distance of that point is 20 and 60 meters। फिर height of the pole भी पूछा है, so height of the pole is h and h is nothing but root 3 into x, that is root 3 into x is what, x is 20, so it's 20 root 3 meter is the height of the pole। ab next dekhiye, a tv tower stands vertically on a bank of a canal, so this is a canal, ek side pe a tv tower is standing, from the another bank the angle of elevation to through the top of the tower is 60 degree and yahan se aur dur gaya 20 meters, fir angle of elevation is 30 degrees, then what is the distance, what is the length of the canal, means width of the canal and height of the tower you have to find out, so this is A, B, C and this is D, height of the tower and width of the canal means h and x we have to find out, so for that in triangle ABC, in triangle ABC with respect to the given angle, this is opposite side and this is adjacent, so again opposite or adjacent ke saath tan theta, so tan of theta equals to opposite upon adjacent, so tan of theta, theta is 60, opposite is h upon x, tan 60 is root 3 equals to h upon x, so root 3 into x equals to h, equation number 1। अब ये होने के बाद में वापस से इन ट्राइंगल ए बी डी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट, सो अगेन tan theta इज equals टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो tan ऑफ 30 is equals to opposite is h upon adjacent is x plus 20, so tan 30 is 1 by root 3, h is what, root 3 into x from 1 upon x plus 20, ab cross multiply x plus 20 is equals to root 3 into root 3, 3 3 into x, so this is 3x plus x udhar gaya to minus x equals to 20, so 20 equal to 2x, so x equals to 20 upon 2, so x equals to 10 meters। x milne ke baad mein iska matlab width of the canal, isme height ke jagah pe idhar x ke pe dal denge to height mil jayega, so therefore width of canal is 10 meter, that is x, that is 10 meters,
एंड हाइट, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच एंड दैट इज रूट थ्री इंटू एक्स. सो रूट थ्री इंटू एक्स इट मीन्स रूट थ्री इंटू टेन, इट मीन्स टेन रूट थ्री मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. सो फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अभी देखिए ये अर्थ सर्फेस है, दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड दिस इज अ टावर. सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑफ अ केबल टावर इज, मतलब इसके टॉप से उसके टॉप पर देखा टीवी टावर के, केबल टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच, 60 डिग्रीज. उसके वही पॉइंट से टू द, हम लोग ने देखा जब उसके बॉटम पे, केबल टावर के बॉटम पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्रीज. देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर यू हैव टू फाइंड आउट. इफ दिस इज 7, सो दिस इज ऑल्सो 7 बिकॉज इट इज रेक्टेंगल. अब ये 7 है, इसको x और इसको y ले लेते हैं. सो हाइट ऑफ द टावर h विल बी गिवन बाई 7 प्लस y. सो दिस इज y प्लस 7. सो h निकालना है हमको. नाम दे देते हैं a, b, c, d एंड e. अब ये ट्रायंगल यूज करेंगे तो x मिलेगा, तो पहले x निकाल लेते हैं. सो इन ट्रायंगल ADC with respect to the given angle, this is opposite side and this is adjacent. So tan theta equals to opposite upon adjacent. So tan of which angle? Tan of 45 is equals to 45 ka opposite is 7 upon adjacent is x. Tan 45 is 1, 7 upon x. So x equal to 7 meters. X milne ke baad mein. Now, using this x, we can find out y in triangle ADE. So, in triangle ADE, with respect to the given angle, this is opposite side again and this is adjacent. So, again tan theta equals to opposite upon adjacent. So, tan of theta, theta is what? 60. Opposite 60 ka opposite is y. Adjacent is x. Tan 60 is root 3. Equals to y upon x is what? 7. So cross multiplying y equal to 7 root 3 meters. Y milne ke baad mein height is nothing but y plus 7. Y is 7 root 3 plus 7. So 7 is common. Root 3 plus 1 meters is the height of the cable tower. Iska ek question aisa hai, as observed from a top of the 75 meter high lighthouse. मतलब देखिए, दिस इज 75 मीटर हाई लाइट हाउस. यहां से दो शिप को देखा एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए, दो शिप्स हैं, उनको देखा. सो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ये देख रहे हैं इधर से इधर. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन आर, एक में 30 है और दूसरे वाले में 45. तो ये 45, तो ये एंगल विल बी 45 एज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. दिस इज 30, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक के पीछे एक, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सो वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. मतलब ए बी का डिस्टेंस निकालना है, इसको एक्स ले लेते हैं जो निकालना है. दिस इज एच एंड दिस इज y, let it be y, b, c, d. तो पहले हम लोग नाम डालते हैं इन ट्राइंगल b, c, d, इन ट्राइंगल b, c, d. एक y निकाल लेते हैं ये ट्राइंगल से, because h is known, एक साइड पता है. तो with respect to the given angle, this is opposite side and this is adjacent. So tan of theta equals to opposite side upon adjacent. So tan of theta means tan of 45 equals to opposite is 75 upon adjacent is what, y. So tan 45 is 1 equals to 75 upon y. So cross multiplying y equal to 75 meters. Y मिलने के बाद में अगर x निकालना है तो वापस से बड़ा ट्राइंगल यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल. जो दिया हुआ है साइड वो 75 है
और एडजेसेंट साइड में एक्स आता है और वाई आता है, तो वाई का वैल्यू पता है तो उससे एक्स मिलेगा। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी अगेन टैन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो टैन ऑफ tan of which angle 30 is opposite, इसका opposite कौन सा है 75 upon adjacent is what, ये adjacent है that is x plus y, so tan 30 is 1 by root 3 equal to 75 upon x plus y, we know the value of y, so x plus y is 75, अब इससे सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, so cross multiplying 1 into x plus 75 is x plus 75 equals to 75 into root 3 is 75 root 3. अब क्या करते हैं, सब जो constants हैं वो एक साइड लेके आते हैं, वेरिएबल एक साइड रख देते हैं, so x will be equal to 75 root 3 plus 75 इधर आएगा तो minus 75, दोनों में से common है 75, बचेगा क्या root 3 minus 1 is x, so distance between two shapes is x and that is 75 into root 3 minus 1 meters. Next question ऐसा है कि this is a horizontal line earth surface and this is 1.2 meter tall girl, इसने balloon को देखा at an height of 88.2, balloon जो है वो horizontal line में बहते जा रहा है, उसका भी height है from the ground is 88.2, फिर उसने बलून को जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 60 डिग्री एट दैट टाइम, उसके बाद में वो बलून बह के दूर चला गया, उस वक्त पे एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 30 डिग्री, रिड्यूसेस टू 30, पहले 60 था जब फर्स्ट टाइम देखा, फिर दूसरे वो जब दूर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30. Find the distance traveled by the balloon. मतलब यहाँ से जब यहाँ तक गया तो what is the distance traveled that you have to find out. मतलब x का वैल्यू निकालना है. अब हमको मालूम है ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा. नाम डाल देते हैं A, B, C and D. So CD will be nothing but CD is equals to B और इसका नाम E डाल देते हैं BE. Is equals to 88.2 minus 1.2, that will be 87 meters. So, ye 87 meters, ye bhi 87 meters. Ab hum kya karenge? Pehle ye x naam dal diya, isko y, isko 87 hai pehle se. Ab hum log pehle ye triangle use karte hain aur y nikal lete hain. So, in triangle ABE, in triangle ABE, with respect to this angle, this is opposite side and this is what? Adjacent, so tan of theta equals to opposite upon adjacent, so tan of angle 60 equals to 60 ka opposite is 87 upon adjacent is y, tan 60 is root 3 equals to 87 upon y, so y will be equals to 87 upon root 3. Ab isko rationalize kar lete hain. So equals to 87 by root 3 into root 3 upon root 3. So root 3 into root 3 will be 3 upon 87 root 3. 3 2s are 6, 3 9s are 27 root 3 meters. Y milne ke baad mein, we will use triangle this one. In triangle ACD, in triangle ACD, with respect to this angle, this is opposite side and this is adjacent. So tan of theta is equals to opposite upon adjacent. So tan of theta, theta kya hai idhar 30 hai. To jab 30 lenge to iska opposite side is 87 upon adjacent is what, x plus y. So tan 30 is 1 by root 3 equals to 87 upon x plus y. X is y is what, 29 root 3. So x plus 29 root 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा. कैसे, अब देखिए x प्लस 29 रूट 3 इक्वल्स टू 87 रूट 3. अब x विल बी इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3, प्लस 29 रूट 3 उधर गया तो अब 87 रूट 3 इज कॉमन, 87 माइनस 29, सो 17 में से 9 गया तो
17 में से 9 गया तो इट विल बी 8 एंड दिस इज 7, 7 से 2 गया तो 5, सो इट्स 58 रूट 3 मीटर्स इज एक्स, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58 रूट 3 मीटर्स. अ स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ द टावर, इट मीन्स ये स्ट्रेट हाईवे है, दिस इज अ टावर, ये यहाँ पे जाके खत्म होता है. अब अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऊपर आदमी खड़ा है, उसने ऑब्जर्व सर कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, यहाँ से एक कार को देखा, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट 30 एट दिस टाइम. तो ये 30, तो ये एंगल भी कितना होगा 30, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से वो फुट ऑफ द टावर के पास आ रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड. सो लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड बी x meters per hour. सो स्पीड ऑफ द कार इज x मीटर पर आर, यूनिफॉर्म स्पीड. आफ्टर सिक्स सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज, ये जैसे इधर आ रहा है तो 6 सेकेंड्स के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया, तो ये भी 60 हो जाएगा. फाइंड द टाइम टेकन टू बाई द कार टू रीच द फुट, मतलब ये यहाँ से जब सपोज करो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी, तो टाइम टेकन टू फ्रॉम डी टू सी डी सी इज वॉट 6 सेकेंड्स दिया है, तो टाइम टेकन बाई एट सी टू बी तक जाने का, सो टाइम सी बी निकालना है हमको, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. सो डिस्टेंस डी सी इज नथिंग बट डी सी डिस्टेंस जो है, दिस इज स्पीड इन टू टाइम दैट इज 6 into x meters, मतलब ये जो हो गया वो 6x meters हो गया. अगर हमको सी जेड का डिस्टेंस मिला तो स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव यू, सॉरी स्पीड पता है, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस अगर हमने सी बी निकाला तो टाइम मिलेगा सी बी, सो सी बी का डिस्टेंस निकालने के लिए नाम डाल दिया इधर जेड और इधर हाइट एच. अब एच और जेड के फॉर्म में पहले रिलेशन निकाल लेते हैं. सो इन ट्राइंगल ए बी सी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट, सो टैन ऑफ 60 इक्वल्स टू एच अपॉन जेड. टैन 60 इज रूट 3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन जेड, क्रॉस मल्टीप्लाइंग रूट 3 इंटू जेड इज इक्वल्स टू एच, इक्वेशन नंबर 1. जैसे हमने ये किया वैसे अब हम लोग बड़ा ट्राइंगल यूज करते हैं. सो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी टैन ऑफ 30, बिकॉज दिस इज अपोजिट साइड और एक्स, ये इसका और इसका रिलेशन कब मिलेगा जब एडजेसेंट साइड लेंगे, सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो टैन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट इज एच अपॉन एडजेसेंट इज वॉट जेड प्लस 6x, जेड प्लस 6x. अब क्या करते हैं, एच इज इक्वल टू 3z, एच की जगह पे 3z डालेंगे, टैन 30 इज वॉट 1/√3 इज इक्वल्स टू एच इज 3√3 इंटू जेड अपॉन जेड प्लस 6x. अब देखिए क्या करेंगे, √3 × √3 विल बी 3z इक्वल टू जेड प्लस 6x. अब जेड सब एक साइड, सो 6x इज इक्वल्स टू 3z माइनस जेड, इट मीन्स इट इज 2z इज इक्वल्स टू 2z is equals to 6x. So z will be equals to 6x upon 2. So z is equal to 2 ko cross multiply kiya. So it is 3x meters. Iska matlab jo distance CZ, this BC hai, wo z tha, that is 3x. So humko time kaise milega? Time BC, time to travel BC. Time is nothing but distance upon speed. Distance is what? Distance upon speed. अब हमको ये बताइए, distance BC है
एंड स्पीड इज व्हाट एक्स, यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स. बीसी कितना मिला 3x मीटर्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, इट मीन्स टाइम ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल बीसी इज 3 seconds. इज टाइम टेकन टू ट्रेवल बीसी. अब ये देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 meters एंड 9 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. अब देखिए कैसा है, दिस इज अ टावर. अब दो पॉइंट्स है ए एंड दिस इज बी. ए बी जो है वो 4 meters के डिस्टेंस पे है और ए जो है वो 9 meters के डिस्टेंस पे है. सो दिस इज पॉइंट सी, फुट ऑफ द टावर, एंड दिस इज पॉइंट ई. सो इधर से बी से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा विल बी 90 माइनस थीटा. देन यू हैव टू प्रूव दैट की हाइट ऑफ द टावर दिस एच इज नथिंग बट 6 meters. अब कैसे करते हैं वो देखिए प्रूफ में. बहुत सिंपल सा है. फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, एज वी नो दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एंगल, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड. ये गिवन एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा. सो टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, ऑपोजिट ऑफ 90 माइनस थीटा इज एच अपॉन एडजेसेंट इज 4. सो एच अपॉन 4. सो tan 90 माइनस थीटा, वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू cot थीटा. इधर लिख देंगे इक्वल्स टू h अपॉन 4, सिंस tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा. अब ये होने के बाद में हमको मालूम है कि सेकेंड पॉइंट में जैसे हमने ये निकाला, वैसे विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड. सो वो यूज करते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी. इन ट्राइंगल ए सी डी टैन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो टैन ऑफ विच एंगल, टैन ऑफ थीटा, ऑपोजिट ऑफ थीटा इज एच अपॉन एडजेसेंट इज 9. अब क्या करेंगे, वी नो दैट टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज गोइंग टू बी 1. सो ये cot थीटा को और ये tan थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2. सो h by 9 इंटू h by 9 इंटू h by 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू cot थीटा, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया. सो h इंटू h विल बी h स्क्वायर अपॉन 9 4s are 36. tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1. सो लिख देना इधर, सेंस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 36. सो एच विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 36. सो एच विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 6. बट वी नो दैट हाइट इज नेवर नेगेटिव, बट हाइट एच इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 6 meters.